पहला जो मेरा बोर्ड एग्जाम था उस टाइम पे मुझे अनफॉर्चुनेटली डेंगू हो गया था। और साइंस में कितने हैं बेटा? 100। सोशल साइंस में भी 100 है, साइंस में भी 100 है। हाँ, इसलिए लास्ट मिनट स्टडी थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा है। लेकिन गोवा में तो फर्स्ट उसको बहुत बीमारी भी थी, डेंगू भी हुआ था। उस हिसाब से उसने बहुत कोशिश करती है, हार्डवर्क बहुत करती है, बहुत कोशिश, बहुत कोशिश। तो भाई आज हमारे साथ हैं अधिश्री, और हमें इतना प्राउड है इन पर। ये इसराइलाइट हैं और इनकी पूरे गोवा में फर्स्ट रैंक आई है क्लास 10th बोर्ड्स में विद 98.83%। राइट, जी सर, हाँ क्या बात है भाई। तो मतलब कितने, 600 में से 593 मार्क्स। ओ गजब। तो भाई आज अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बातें पूछने वाले हैं अधिश्री आपसे, है ना। तो सबसे पहले तो यार आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा यार कि भाई गोवा में फर्स्ट रैंक आई है मेरी? वैसे पहला रिएक्शन तो पहला जब मैंने चेक किया था तब सेकंड थी, वो भी एक मार्क की वजह से। तो मतलब थोड़ा सा ये हुआ था कि मतलब एक मार्क की वजह से। फिर बाद में हम रीवैल्यूएशन को दिया, पर वैसे होप्स नहीं थे कि बढ़ेंगे, लेकिन जब बढ़े तो फिर थोड़ा शॉकिंग था कि वो भी इंग्लिश में बढ़े। तो भाई आपने फर्स्ट देखा कि भाई अब तो सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए, तो मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स तो बहुत हैप्पी बहुत हैप्पी एकदम। तो थे। अदिश्री कैसे पढ़ाई करी आपने यार जो पूरा गोवा टॉप मार दिया? वैसे रूटीन तो बहुत सिंपल था। सुबह मैं उठकर स्कूल जाती थी और अराउंड 2-2:30 बजे घर पहुंचती थी। फिर उसके बाद कुछ देर बाद रेस्ट करके फिर ईसरल का जो मतलब वीडियो और शीट हो गया या फिर टेस्ट हो गया वो सब होता था, एंड एनसीईआरटी से। नाइन्थ एनसीईआरटी से। तो आपने इसरल कब ज्वाइन किया था बेटा? स्टैंडर्ड में तो पूरा 9th आप इसरल से पढ़े जी। और 10th भी पूरा इसरल से पढ़े, उसके अलावा और कहीं से नहीं पढ़े, मतलब स्कूल और इसरल। हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई, मचा दिया। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। तो भाई आप लेक्चर्स जैसे अब बच्चे भी देख रहे हैं, जो काफी बच्चे भी इसरल से ही पढ़ते हैं 10th में 9th में, तो आप कैसे यूज करते थे? मतलब पहले विजुलाइजेशन वाले लेक्चर्स देखते थे कैसे, थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना। तो पहले टॉपिक वाइज लेक्चर होते थे, फिर वो मतलब रिकॉर्डेड थे। मुझे रिकॉर्डेड के लिए मैंने ईसरल को चुना था क्योंकि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, रात को शुरू कर सकते हैं या फिर सुबह कभी भी। तो वो लेक्चर देखा, तो उसके बाद उसके अंडर के जो शीट के क्वेश्चंस, फिर चैप्टर ऐसा ही, चैप्टर खत्म होने के बाद फिर टेस्ट। ऐसा आप हर चैप्टर में करते गए, हाँ तो जो वीडियोस में आपको विजुलाइजेशन मिला उसका क्या रोल था? मतलब आप स्कूल में जो पढ़ के आते थे और फिर जो जिस तरह से विजुलाइजेशन करते थे। एक माइंड में इमेज छप जाती थी। अगर कोई कॉन्सेप्ट के बारे में अगर इमेज है, जैसे केमिस्ट्री का मुझे अभी याद है कि मेरा जो फर्स्ट टीचर का लेक्चर था वो अबाउट एटम्स था। और एटम्स मतलब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, नो बैकग्राउंड। तो जब पहले ही उन्होंने इमेज छाप दी कि मतलब ऐसा आप याद रख सकते हो, तो फिर इट वॉज एडवांटेजेस कि ज्यादा अच्छे से याद रख सकते थे अगर इमेज है दिमाग में। ओके, तो जैसे वो मूवीज की पूरी इमेज छप जाती है वैसे पूरे लेक्चर्स की इमेज छप गई थी दिमाग में। तो ये आप जैसे अब आपके स्कूल में जो चैप्टर चालू होने वाला था उसके पहले आप इसरल से पढ़ के जाते थे या स्कूल से आने के बाद इसरल से पढ़ते थे? स्कूल में थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हो जाता था, लेकिन ओवरऑल मोस्टली पहले वीडियोस देख के फिर स्कूल में होता था चैप्टर तो मोस्टली। पहले आप इसरल के वीडियोस देख के जाते थे फिर स्कूल में करते थे। जी जब स्कूल के टीचर्स बोर्ड पे कराते होंगे तो वहां पर ही आपको विजुलाइजेशन दिखता था कि यार कि का फोटोज याद आ जाए। भाई ये तो हम चलती हुई चीज देख के आए, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है एक्चुअली में। भाई वहां हाँ पर पार्टिकल एक्चुअली मोशन कर रहा है अपने इसरल में, वो पूरा एकदम मोशन कर लिया उसने। अरे बोर्ड पे लिखते तो वो वही चीज दिखती है ना। तो कितने घंटे पढ़ते थे फिर ऐप से ऐप से मतलब ओवरऑल मेरा दिन, ओवरऑल? हाँ ओवरऑल तो एवरेज 5 घंटे शायद, 5 से। स्कूल से बाद में हाँ 5 घंटे हो जाता था। हाँ एवरेज। अच्छा, और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में कितनी बार रिवीजन करके गए थे आप? रिवीजन तो दो दो बार तो हुआ होगा, मतलब फुल राउंड्स 2-3 बार। 2-3 बार।
हाँ फुल पोर्शन। और नोट्स कैसे बनाते थे आप? नोट्स जब लेक्चर होता था फिर उसके बाद सर जो कोई मतलब लेक्चर से जो अंडरस्टैंड हुआ फिर उसके मैंने अपने शब्दों में बुक में लिखा। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ा तो अपने नोट्स के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ा तो फिर आसान हो गया रिवीजन में। आसान हो गया उसमें वो। तो एनसीईआरटी आप इसरल के लेक्चर्स के बाद देखते थे? जी क्या बात है भाई, आपके एसएसटी में तो 100 out of 100 आए, राइट? अलग लेवल। मैथ्स में कितने हैं बेटा? मैथ्स में 99, वो भी एक क्वेश्चन का एरर था, मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं था, फिर उन्होंने मार्क नहीं दिया उसमें। मुझे वो और क्वेश्चन आता था लेकिन वो क्लियर नहीं था क्वेश्चन पेपर कोई बात नहीं, चलो अब फर्स्ट से और फर्स्ट तो जाने की उम्मीद वैसे भी नहीं बची, कोई बात नहीं, कट गया कट गया। और साइंस में कितने हैं बेटा? में। 100। साइंस में भी 100 है? क्या बात है, सोशल साइंस में भी 100 है, साइंस में भी 100 है, और मैथ्स में भी लगभग 100 ही होते अगर वो एक क्वेश्चन भी हो जाता तो। मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपने ऐप से देख लिए है हाँ ना, और फिर उनके नोट्स बना लिए, फिर हर चैप्टर होने के बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया। जी साइंस में भी सेम ऐसे ही करा बेटा। हाँ आपके मेंटर कौन थे बेटा, आदित्य सर। तो उनका क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? आदित्य सर रेगुलरली मतलब ये पूछते थे कि कैसी चल रही है, अगर अगर कुछ मेरा स्लो हो रहा है तो फिर वो रिमाइंड कर देते थे कि तो कभी डांटा सर ने? डाटा तो नहीं पर उनके रिमाइंडिंग के लिए वो अक्सर कॉल करते थे कि कैसा हो रहा है, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो वो। क्या बात है, मैंने देखा आपका ऐप टाइमिंग गजब का है, हजारों हजार मिनट आप पढ़े हो, और आपकी यही मेहनत है कि यार पूरे गोवा में आपने मतलब फर्स्ट होता है, देखो यार बहुत बढ़िया है ना। और आगे क्या क्या प्लान है बेटा? अभी मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वो कहाँ से कर रहे हो आप? सही इस तरह से ही कर रहे हो, उसी सेम पैटर्न पे कर रहे हो बिल्कुल एकदम जैसे 10th में करा था। हाँ मजा आ रहा है लेक्चर्स में, हाँ विजुलाइज पूरा? जी क्या बात है, टेस्ट दे रहे हो बराबर, हाँ शाबाश। तो भाई जैसे आपके मैथ्स में 99 आए, मैथ्स के हाँ लिए क्या टिप्स दोगे आपके जूनियर्स को अब? मैथ्स में अगर सब्जेक्ट वाइज हो तो फिर पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना चाहिए, जैसे मैंने वीडियोस में देखा और शीट सॉल्व किया वो हो गया। फिर उसके बाद कोई अगर आपको रेफरेंस बुक मिले, वैसे इस तरह की शीट और एनसीईआरटी काफी है बोर्ड के लिए, बट रेफरेंस बुक अगर वो हो, अगर आपके पास टाइम हो तो वो सॉल्व, मतलब अगर आपने ज्यादा सॉल्व किया तो अच्छा होगा मैथ्स के लिए प्रैक्टिस में, फिर वो फॉर्मूले वगैरह ज्यादा अच्छे याद रहते हैं ये मैथ्स के लिए। मैंने मतलब कॉन्सेप्ट के लिए टाइम स्पेंड करना है और उससे ज्यादा टाइम मैंने सॉल्विंग में ऐसे स्पेंड किया। अच्छा, मतलब ज्यादा टाइम आपने सॉल्विंग में स्पेंड किया, मतलब पर शुरू में तो कॉन्सेप्ट्स में भी काफी टाइम स्पेंड करा होगा। हाँ हाँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक लेक्चर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपने 2 बार तो देखे ही होंगे ना पूरी 10th क्लास में, या कितनी बार देखे होंगे आपने? वैसे एक लेक्चर में मुझे समझ आता था लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर एडवांटेज ये था कि मैं फिर से देख सकती थी। फिर से देख सकते थे उसमें। ओके ठीक है। और साइंस के लिए? साइंस के लिए तो 10th तक ज्यादा थियरी है लेकिन कुछ चीजें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है उसके लिए भी सेम की टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट्स पहले, फिर अगर कुछ प्रैक्टिस हो जैसे थोड़े न्यूमेरिकल्स के लिए। तो वो आप पूरे नोट्स आप लेक्चर्स कैसे, जैसे आप वीडियो देख रहे हो इसरल का है ना, जैसे आप देखते थे तो उसमें पॉज कर करके नोट्स बनाते थे, या पूरा एक बार देखने के बाद फिर नोट्स बनाते थे? जैसे एक टॉपिक हो गया तो वो देखा फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाए, फुल लेक्चर के बाद नहीं, एक एक टॉपिक के बाद। एक एक सब टॉपिक के बाद में, तो जैसे हाँ अगर मान लो 20 मिनट का कोई सब टॉपिक है तो उसको पूरा देखने के बाद आप नोट्स बनाते थे पॉज नहीं, जैसे कर जैसे करके, सब टॉपिक हुआ हाँ पॉज जैसे करके। सब टॉपिक होते थे उसमें। आपकी 10th की जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? सबसे बड़ा तो स्ट्रगल मुझे ये याद आता है कि मेरे जो पहले तो हमारे 2 बोर्ड्स थे क्योंकि इस साल तक ही 2 बोर्ड्स थे, और पहले जो पहला जो मेरा बोर्ड एग्जाम था उस टाइम पे मुझे अनफॉर्चुनेटली डेंगू हो गया था, ओहो तो उन्होंने फिर मुझे री एग्जाम आंसर नहीं करनी दी, मतलब मुझे उसी टाइम पे करना था, तो उस टाइम पर थोड़ा सा टफ हुआ लेकिन मैनेज हो गया। मैं समझा नहीं, मतलब पहला बोर्ड की कितनी तारीख कब हुआ था आपका? पहला बोर्ड नवंबर में, नवंबर एंड। टर्म 1 मतलब, हाँ तो उसमें आपको डेंगू हो गया था, हाँ तो फिर आपका वो एग्जाम दे पाए थे नहीं दे पाए थे आप वो? हाँ मैं उसे तभी देना था।
तो फिर आपने डेंगू की हालत में वो एग्जाम दिया बोर्ड का। जी। ओहो, और ये जो आपकी परसेंटेज है दोनों मिलाकर है कि सेकेंड टर्म की है? नहीं, दोनों मिलाकर। तो ये आपने गोवा टॉप मतलब डेंगू की हालत में भी कर लिया पूरा? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने हेल्प किया, मतलब वो मेडिसिन वगैरह। अरे बाप रे, तो जब आपको डेंगू हुआ था तब आपके कितने, तब कितने नंबर आए थे? तब मेरा डेंगू के टाइम पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर था, और साइंस, तो उसमें फुल आ गया ओहो, अरे बाप रे, तो आपकी जो प्रीवियस तैयारी थी वो एकदम जबरदस्त थी कि भाई? था। हाँ, इसलिए लास्ट मिनट स्टडी थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा है, क्योंकि लास्ट मिनट अगर कुछ हो गया तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। पर भाई आपने मतलब, ये तो गजब की बात है, तो गजब भाई। तो आपको लग रहा था मतलब, आपने हिम्मत कैसे रखी भाई? डेंगू में तो बहुत तेज बुखार आता है, हाँ, कितने तक बुखार जाता था आपका? 103 तो जाता था। नहीं, तो 103 के उसमें आप एग्जाम दे के आए हो एक्चुअली? नहीं, ओहो, आप इतनी हम्बली इसको बता रहे हो कि सर 103 में तो एग्जाम दे दिया और फोड़ दिया मतलब एकदम। यार नॉर्मल नॉर्मल उसमें एग्जाम देने में इतने नंबर नहीं आते, आप 100 दी के पेपर में। तो भाई टेम्परामेंट कैसे मेंटेन रखा आपने टेम्परेचर के साथ में? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज्यादा सपोर्ट दिया, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे हेल्प किया, मतलब वो जो डेंगू में मेडिसिन वगैरह होते हैं, फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर मेरा भाई भी था, तो वो मोटिवेशन था कि हो सकता है। नमस्कार, हेलो, हाँ नमस्कार साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हो, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, बहुत 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 बधाई हो आपको अदिश्री के एकदम फर्स्ट रैंक लाने पर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कैसा लग रहा है आपको? खुश, बहुत खुश। ऐसा पता था कि यार फर्स्ट रैंक ही आ जाएगी पूरे गोवा में? गोवा स्कूल में एक्सपेक्ट करती थी, कर रही थी, स्कूल में आती थी, मुझे कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो करती है, जो हमारा स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है ना, फिफ्थ स्टैंडर्ड से, वो पहले से ही करती थी, हाँ तो स्कूल में फर्स्ट आई गया ऐसा था। लेकिन गोवा में तो फर्स्ट, उसको बहुत बीमारी भी थी, डेंगू भी हुआ था, उस हिसाब से उसने बहुत कोशिश करती, हार्डवर्क बहुत करती है, अरे क्या तो बात है। भगवान ने उसको उसकी ये किया, उसकी हमारी प्रार्थना, उसका हार्डवर्क, आपका कोचिंग। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपका अभी तक कैसा रहा 9th 10th का इसरल के साथ में? वेरी गुड, वेरी गुड। सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, सेटिस्फाइड। बराबर, इसकी अब तो रिजल्ट ही इतना जबरदस्त आ गया मतलब, ये तो पूरे गोवा में ही एकदम। आपको अदिश्री से क्या एडवांटेज रहे, मैं अगर ऐसे पूछूं कि आप अगर ऑफलाइन जाते हैं उसके बनस्पत अब आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, तो ऑनलाइन पढ़ने के आपको क्या एडवांटेज रहे? ऑनलाइन तो मुझे मेजर एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी, मैं कभी भी 10 बजे भी चैप्टर शुरू कर देती थी, रात को 11 बजे भी, वो भी, और सुबह भी कर सकते हैं, तो मुझे ये ज्यादा सबसे बड़ा एडवांटेज लगा। और विजुलाइजेशन में? हाँ, वो भी है, मतलब ऑनलाइन के पर उनके एनिमेशन वगैरह। अब जैसे क्लास 11th में जेई की तैयारी कर रही है ये, तो हाँ बिल्कुल उसी तरह से रूटीन फॉलो करती है? हाँ बिल्कुल उसी तरह से रूटीन कभी फॉलो कभी करती कभी है। उसको ये होता है कि मुझसे होगा, डेली पूछती है मुझसे होगा, ऐसा कुछ उसका ये है कभी कभी। ये तो होता है, पर होगा भाई, देखो फर्स्ट रैंक लाने की भी नहीं पता था ना कि आ जाएगी, जब ऐसे टॉप आईआईटीज मिल जाएगी ना तो भी लगेगा कि यार अब तो हो गया। नमस्कार सर, नमस्कार, आपको बहुत 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 बधाई हो, थैंक यू। अदिश्री ने जो काम करके दिखाया है ना बिल्कुल एकदम जबरदस्त, पूरे गोवा में नाम रोशन कर दिया। यस यस यस, वी आर प्राउड ऑफ इट। हाँ, आपको कैसा लगा जब पता पड़ा कि भाई गोवा में फर्स्ट आ गए अब तो अपन? वो तो मुझे पता था फर्स्ट सीमी वो आएगी, अरे क्योंकि नंबर्स का, हर एक पेपर का ना, एक एक मार्क का हिसाब चल रहा था पेपर ओ अच्छा, के तो मैंने आंटी से भी ये पूछा था कि जैसे आपने इसरल ज्वाइन करा दिया क्लास 9 में, तो हमारी भी बहुत खुशनसीब बात है कि ऊपर वाले ने अदिशी को इसरल के पास में भेजा। तो आपने जब ये बाद। डिसीजन लिया मतलब, जब काफी, इसने बताया जैसे काफी सारे दोस्त ऑफलाइन भी जाते हैं इसके, तो आपने कैसे ऑनलाइन पे मतलब कि भाई नहीं मैं तो इसमें ही करा के, हम तो इसमें ही फोड़ देंगे? तो उसी की चॉइस है वो,
अच्छा, तो इसने इसकी चॉइस एकदम बढ़िया रही ना। यस यस, ओके को बोला जो कंफर्टेबल रहे वो कर लेना, नो ओके 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 इश्यूज ओके विद द आउटकम। बट क्या बोलते हैं, आई मीन वेर एवर शी इज कंफर्टेबल, कि उसको लग रहा है कि भाई रिसोर्सेज बहुत हैं, वेर शी इज कंफर्टेबल दैट यस शी कैन डू इट विदाउट टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। और ऐसे ही अब 2 साल के बाद भी ऐसे ही रिजल्ट में फिर हाँ वो इम्पोर्टेंट गोवा की स्पेशल मिठाई मंगवाएंगे फिर। है। जरूर जरूर श्योर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। मतलब इट्स एन ऑनर फॉर अस आल्सो कि भाई इसने जो नाम रोशन करा, उसका मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था, जितने मिनट्स इसने पढ़ाई करी है ना, अमेजिंग है। बस बेटा, अब ऐसे ही आगे भी ऐसे ही करेंगे अपन, थैंक यू सर, है ना। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक गुड, यू, थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। सर।